मंगलवार को हरियाणा मंत्रिमंडल का दूसरी बार विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल विस्तार के मद्देनजर विधायक देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता गवर्नर हाउस पहुंचे। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल, बनवारी लाल, दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे। मंच पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और दोनों नए मंत्रियों के लिए कुर्सियां सजाई गई। वीवीआईपी के लिए अलग से मंच तैयार किया गया। कैबिनेट मिनिस्टर के लिए अलग और राज्य मंत्रियों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की गई। वहीं जसपा विधायक दल की बैठक डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आवास पर हुई। मीटिंग में 8 विधायक मौजूद रहे। इसके बाद भाजपा विधायक कमल गुप्ता ने संस्कृत में मंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद जसपा विधायक देवेंद्र बबली को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शपथ दिलाई। शपथ दिलाने के बाद टी ब्रेक शुरू हो गया। सीएम ने कहा कि आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार है, सस्पेंशन खत्म हो गया है, हमारी संख्या पूरी हो गई है, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। आज जो किया अब पूरा हो गया। सीएम ने कहा कि सभी मंत्री बढ़िया काम कर रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दोनों नए मंत्रियों को बधाई देता हूं, दोनों पार्टियों ने मिलकर काम किया है और आगे भी करेंगे। वहीं नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि वे सीएम और डिप्टी सीएम का आभार व्यक्त करते हैं। वहीं वे प्रदेश की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। महकमे तय करना सीएम और डिप्टी सीएम का काम है। देवेंद्र बबली फतेहाबाद जिला के विधानसभा क्षेत्र टोहाना से जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं। विधानसभा चुनाव 2019 में देवेंद्र बबली ने 52,302 वोटों के बड़े अंतर से सुभाष बराला को हराकर पहली बार विधायक बने थे। इस चुनाव में बबली ने कुल 1,07,552 वोट प्राप्त किए। इससे पहले वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था और करीबन 39,000 वोट हासिल किए थे। देवेंद्र बबली समाज सेवा के कार्यों में भी सदैव आगे रही हैं। वे लंबे समय से क्षेत्र में अपनी सामाजिक संस्था के माध्यम से लोगों के लिए आंखों के चेकअप कैंप, गरीब कन्याओं की शादी, युवाओं के लिए खेल आदि जैसे कई सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाते आए हैं। देवेंद्र बबली टोहाना के गांव बिड़ाईखेड़ा के रहने वाले हैं। किसान परिवार से संबंध रखने वाले बबली व्यवसायी भी हैं। इनके पिता का नाम दिलबाग सिंह और माता का नाम शारदा देवी है। देवेंद्र बबली स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखते हैं और वे अपने दादा को प्रेरणा स्रोत मानते हैं। इनके दादा कैप्टन उमराव सिंह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आजाद हिंद फौज में कैप्टन रहे थे। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री बने डॉक्टर कमल गुप्ता हिसार से विधायक हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता का जन्म हरियाणा के ही गुड़गांव में हुआ। उनके पिता डाक विभाग में पोस्ट मास्टर थे। डॉक्टर गुप्ता की स्कूली शिक्षा चरखी दादरी से हुई और रोहतक मेडिकल कॉलेज से उन्होंने डॉक्टरी की डिग्री हासिल की। हिसार में मेडिकल की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर कमल गुप्ता ने बीजेपी के टिकट पर 1996 से चुनाव लड़ना शुरू किया और वो 2001 में हारे और लगातार जीते। लेकिन 2014 में पहली बार वो हिसार से विधायक बने और हराया भी तो एशिया की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल को। मनोहर लाल की पिछली सरकार में वो 2 साल तक संसदीय सचिव भी रहे, लेकिन बाद में उन्हें कोर्ट के हस्तक्षेप की वजह से हटा दिया गया था। 2019 में डॉक्टर कमल गुप्ता दोबारा से हिसार से विधायक बने और सरकार बनने के 26 महीनों के बाद उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया है। डॉक्टर गुप्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी बेहद करीबी हैं और उन्होंने मंत्री पद की शपथ भी संस्कृत भाषा में ली। आपको बता दें कि हरियाणा मंत्रिमंडल में सीएम और डिप्टी सीएम सहित करीबन 14 मंत्री बन सकते हैं। मौजूदा समय में एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री बनाया जाना था। देवेंद्र बबली कैबिनेट मंत्री रहेंगे। हालांकि सीएम अपने राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार देकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे सकते हैं। राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाकर सीएम बाद में कैबिनेट मंत्री के तौर पर भी अपग्रेड कर सकते हैं, परंतु इस तरह से अपग्रेड होने के बाद भी कैबिनेट की बैठक में वे शामिल नहीं हो सकेंगे। आपको बता दें कि सीएम के पास करीबन 15 मंत्रालय हैं और जबकि डिप्टी सीएम के पास करीबन 12। भाजपा कोटे से एक राज्य मंत्री का पद खाली था। सीएम अपने कोटे से और डिप्टी सीएम के कोटे से एक मंत्रालय देवेंद्र बबली को दिया जाएगा। हरियाणा विधानसभा में 90 विधायक हैं। चंडीगढ़ से अनिल कक्कड़ की रिपोर्ट।